हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी केकेवी मेंबर? आशा है कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर इस न्यू एजेंट से बात हुई जो कि एक महीने पुरानी है। न्यू एजेंट ओल्ड एजेंट में क्या अंतर होता है, तो उससे बात हुई, बड़े प्यार से बात हुई है। कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं हुई, कहीं ना कहीं से मैंने एडवाइस भी दी तो बोल दी कि सर आपने मुझे एडवाइस दी, लग रहा है जॉब छोड़ देनी चाहिए। जो ओल्ड एजेंट होते हैं, जो रिकवरी के अंडी अंडा होते हैं, तो वो अपने सिस्टम में खुद ही छेड़छाड़ करवाते हैं। जैसे कि आपको अगर मैं फ़ाइल दे दूँ और कह दूँ कि कैसे भी निकालो, तो कैसे भी निकालो, आप प्यार से ट्राई करोगे, लेकिन वो लोग जानबूझकर अपने सिस्टम में छेड़छाड़ करते हैं या अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि कस्टमर ना दे तो हम गाली देंगे। तो ऐसे अंडा अंडी अगर सामने हो तो कसम से मन तो करता है कि लट्ठ पे तेल लगा के ही मारो, लेकिन ऐसा अंडा अंडी अगर आपके सामने आ जाए तो वो कहीं ना कहीं आपको डराएंगे कॉल पर कि रिकॉर्ड हो रहा है, ये हो रहा है, फला हो रहा है। ऐसे अंडा अंडी को उनकी भाषा में जवाब देना दोस्तों। हंसत रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। चलिए सुनते हैं। हेलो, 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 गुड मॉर्निंग सर। हाँ मैडम बताइए। सर ये यश बैंक के भी आपसे बात कर रही हूँ। आपकी कार्ड की पेमेंट नहीं हो रही सर, क्या इशू आ रहा है? अच्छा मैडम, नहीं हो रही, सॉरी मैडम, नहीं हो रही कार्ड की पेमेंट। समझ में नहीं आया सर, थोड़ा क्लियर बोलोगे? मैं कह रहा हूँ नहीं हो रही कार्ड की पेमेंट। नहीं हो रही तो सर कर लीजिए ना फिर। मैडम आप चिंता काहे ले रही हो, नहीं हो रही मत होने तो आपको क्या दिक्कत है? सर एक बात बताओ, हम भी तो यहाँ जॉब ही कर रहे हैं ना, तो चिंता। तो ठीक है मैडम, छोड़ दो इसको, छोड़ दो और केस पकड़ लो। इस समय मेरा मूड नहीं है बात करने का। अच्छा सर, मैडम मेरा मूड इस समय अभी बस गर्लफ्रेंड को कॉल करने वाला था, आपने डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? आप ऐसे बोलते आप मुझे हो, काम करना मैडम। अजीब अजीब क्या, मैं कोई गलत बात थोड़ी रहा, आप मुझे काम करना, आप मुझे करना वही क्या नहीं लगता। आप मुझे 7 बजे के बाद कॉल करना, तब मेरा मूड बनेगा। ठीक है, अच्छा 7 बजे मैं आपके लिए यहाँ पे बैठी रहूंगी ना सर। 7 बजे तक तो मैडम बैठे ही रहते हैं आप लोग। वही तो मैं कह रही हूँ, चलो 5 बजे कर लेना और बताओ, बुरा क्यों मान रहे? आप तो बुरा मान रहे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। कौन से बैंक से थी? यस बैंक। यस बैंक। तो ज्योति जी आप कैसे, मतलब एकदम प्रकाश डाल के मानेंगे क्या इस केस पर? क्या मैं कह रहा हूँ ज्योति जी, इस केस पर प्रकाश डाल के मानोगी क्या? दोबारा बोलो सर, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ ज्योति जी आप इस केस पर प्रकाश डाल के ही मानोगी क्या? लाइट लाइट एक दे, अगर आप एक EMI पे कर दोगे तो कुछ हो जाएगा सर? आप बताओ मैडम, बहुत कुछ हो जाएगा। अब एक मतलब इंटेंशन नहीं है आप? देखो मैडम मैं बता दूँ क्या क्या होगा, तुमने ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो जो चीज होगी वो होगा आपका टारगेट पूरा, ठीक है, जो मुझे टारगेट नहीं करना। अगर दूसरा क्या, दोबारा बोलो। सबसे पहले अगर मैं पेमेंट करता हूँ एक EMI की, तो सबसे पहले तो आपका टारगेट पूरा होगा जो मुझे टारगेट नहीं करना। अच्छा ठीक है, आगे काफी नॉलेज है इस लाइन में हो ना, इसलिए। अच्छा आपको पता चल गया इस लाइन में हूँ? जिस तरीके से आप बातें कर रहे हो उस तरीके से तो लग ही रहा है सर। अरे मैडम ऐसे मेरे जो लाइन के लोग हैं मुझे बड़ी जल्दी पहचान जाते हैं, मुझे छुपा नहीं देते अपनी पहचान। कोई बात नहीं, देखो सर वो आपकी इंटेंशन है कि आपको करना है या मैडम, अभी तो मैंने पूरी बात खत्म ही नहीं करी, पूरी बात तो सुन लो। हाँ हाँ बोलो, तुम्हारी बातों का जवाब देती जा रही हूँ ना मैं। अरे क्या बात है, में ना रह जाए। ज्योति जी आप मतलब एकदम हर हर सवाल पर या हर हर जवाब पर आप प्रकाश डाल दिए, छोड़ नहीं रही है। बोलो बोलो आगे बोलो। दूसरा मैडम ये कि मेरी DPT घट जाएगी, मुझे DPT बढ़ानी है, बहुत ज्यादा हाई करनी है, तो वो DPT घट जाएगी, मुझे मंजूर नहीं है। तीसरा ये मैडम बहुत दिक्कत दे रहे हैं आपके बैंक वाले, तो अब वो दिक्कत मैंने बहुत झेल लिया, अब मैं इसको ना दूंगा नहीं, दूंगा तो मैं दूंगा कम से कम 6 महीने बाद। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद? हाँ। अच्छा आगे? आगे बस खत्म हो गए, इससे आगे क्या ही होना। आप कह रहे कोई कुछ बोल सकता है? तीन ही बातें थी मैडम, ये तीन बातें जो थी ना, इन बातों में वजन करके देखना, इन बातों में 100 बातों का वजन था। एक बात बताओ, जो इंसान मतलब आपके साथ किसी ने भी कुछ किया होगा तो मतलब आप सामने वाले को थोड़ी देर उसकी सजा दोगे? नहीं मैडम, मैं तो सजा सबको देता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता। जैसे मेरे साथ कोई कुछ करता है ना, हाँ। तो मैं उसके साथ है, उसके घर वालों को भी सजा दे देता हूँ। अच्छा तो इसमें इधर के हमारे घर वाले हैं सर? मैडम मैंने तो बोला नहीं।
मतलब एक तरीके से ना, अगर जो कलेक्शन वाले बंदे होते हैं ना, आपके भाई लगते हैं, भाई बहन ही आपके सर। मेरे भाई बहन कैसे हो गए? वो तो मेरे बहन भाई घर के हैं, यहाँ कैसे हो गए? मैंने मैंने कब बोला घर के? मैंने बोला ये कलेक्शन से रिलेटेड आपके भाई बहन ही लगते हैं। जो कलेक्शन में होते हैं ना वो आपके भाई बहन होते हैं। मैडम मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि मतलब घर के लगते हैं, सगे लगते हैं, भाई बहन कलेक्शन का रिश्ता है ये। अच्छा तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब अगर इंसान नया ही लग तो भाई बहन कैसे बन जाएगा? चलो मैंने अपनी बात वापस ले ली आपके कहने पर, आपने कहा तो वापस लिया, मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। क्योंकि अभी मुझे ना, हाँ मुझे क्योंकि ना नेक्स्ट मतलब पिछले मंथ ही मेरी ज्वाइन हुई है यहाँ पे। अच्छे नहीं हो आप, इतने जल्दी तो कोई भाई और बहन तो मतलब जैसे जैसे नहीं हो तो DRA तो करा होगा आपने? नहीं वो नहीं किया। कोई नहीं, चलो 14,000 तो दे ही रहा होगा एजेंसी वाला, DRA होती तो देता फिर 17, 18, 16। तो अब कराओगे या नहीं बताओ, फाइनली बताओ। कराऊंगा तो नहीं, लेकिन एक एडवाइस जरूर दूंगा आपको, मतलब लग रहा है कि आप मेरी अपनी भी हो इसलिए बता रहा हूँ। मैडम करने के लिए बहुत सारे जॉब है, कहाँ इस कलेक्शन लाइन में पड़े हो बताइए, कितनी बुरी जॉब है, बहुत दिक्कत है इस लाइन में। और दूसरा फायदा तब होता है जब आप कोई सीनियर लेवल पे जाती है, जहाँ पे आपको इंसेंटिव मिलता है। आप तो जॉब फर्स्ट टाइम मतलब लग। अच्छा तो कहीं ना कहीं मैं अगर सही बताऊँ ना, जो मेरा खुद का अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे थोड़ा बहुत पैसा वगैरह जोड़ लो और कोई और जॉब देख लेना, वरना तो अगर आप सीनियर लेवल पे जाती हो, TL लेवल जाता है, TL मैनेजर, अच्छा। 2-3 साल मेहनत करके तो कुछ अच्छा भी लगता है, उसमें इंसेंटिव मिलता है तो अच्छा रहता है। लेकिन ये कॉलर की जॉब में बहुत गाली सुनने को मिलती है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आप जैसे मैं हूँ, मैं मुझे कम से कम दिन में 100-150 कॉल अटेंड करता हूँ मान लो, तो मैं एक ही जवाब दे देंगे ना, पक जाता हूँ, तो मैं मजे लेता रहता हूँ इस तरीके से। अब आप एक ही जवाब बोलोगे, आप इससे हट के तो अलग कुछ बोल नहीं सकती, सर क्या हुआ, सर सर बोल रहे हैं, सर पेमेंट दीजिए, सर क्या हुआ, सर ये तो वही चीज बोल रही, आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कहीं। अच्छा बाकी ये बात मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि अभी नई नई हो, 1 महीने हुआ और जवाब बहुत अच्छे दे रही हो। क्योंकि अभी मेरे को नहीं पता ना, मेरे को ये केस मिले हुए हैं तो फिर मैं बात कर रही हूँ और आप इस तरीके से बोल रहे थे तो नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैं जब 100-150 बंदों को एक ही जवाब दूंगा ना, तो मैं बोर हो जाता हूँ, तो मैं नए नए तरीके से, मैं किसी से तो कोई मैडम जैसे ऊंची आवाज में चिल्लाती है, बदतमीजी करती है ना, तो नहीं करना चाहिए, तो मैं उनसे आई लेवल पे बोल देता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं अपने एंजॉयमेंट करता रहता हूँ, लेकिन कहीं भी ऐसा मिसबिहेव नहीं करता जब तक सामने वाला ना करके गाली दे दूं मैं उसे, या वो बिल्कुल ही चुपक जाए, जैसे मैंने आपको 10 बार समझा दिया, आप 11वीं बार पूछो कि सर क्यों नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं मेरा भी दिमाग जो ना गर्म हो जाएगा, 10 बार जो चीज समझा चुका वो एक चीज पोस्ट होगी। तो आपका पूरा नाम? मेरा नाम ज्योति है। पूरा पूरा नाम? ज्योति शर्मा। अच्छा ज्योति शर्मा, आपने अभी कॉल किया, उसका क्या बोल रहे क्या? सॉरी आप बोल रही थी अभी कुछ, मैंने अभी कॉल किया कुछ करके, नहीं दोबारा बोलो, मैं समझी नहीं। मैं बोल रहा था कि आपने अभी कुछ बोला कि मैंने कॉल किया कुछ करके, आप अपनी बात पूरी कर रही थी, मैंने काट दी, आपने क्या मतलब क्या बोलना चाह रही थी आप? नहीं मैंने ये बोला था कि मैं मतलब मेरे को केसेस मिले थे ना, तो फिर मैं उनपे कॉल कर रही थी, तो इसलिए आपने कॉल अटेंड की, तो फिर मैं आपसे मतलब बोलने लग गई कि सर पेमेंट करा दो आपकी जो है। चलो मैं आपको एक और मतलब ज्ञान दे देता हूँ, थोड़ा और समझा देता हूँ आपको, बाकी आप कॉलर हो ना। हाँ जी। क्या है ना, हम इसका सेटलमेंट करेंगे राइट ऑफ के बाद, राइट ऑफ या विंटेज के बाद, आराम से कौड़ियों के दाम पे आ जाएगा सेटलमेंट। सेटलमेंट करोगे आप? हाँ, क्योंकि हमारी जो है ना पूरा मल्टीपल डेप्ट हो चुके हैं हमारे ऊपर, कम से कम 40 लाख करीबन के। अच्छा। तो हम एक साथ दे नहीं सकते, हल्के हल्के करके भी नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं टूटेगी EMI तो बैंक परेशान वैसे भी करेगा, तो हम इसको जब कौड़ियों के दाम पर आ जाएगा फिर करेंगे सेटलमेंट। तो मतलब अभी आपको टाइम लगेगा देने में? हाँ टाइम ही लगेगा, आप मेरी तरफ से तो इस केस पर अपना RTP डाल दो और लिख देना, अगर आप लिखोगे फंड इशू वगैरह तो अभी कोई फायदा नहीं है, और अगर लिखोगे इंटेंशनली तो अभी कोई फायदा नहीं है, कॉल्स आते रहेंगे, तो अपने तरफ से कुछ भी लिख देना। अच्छा अगर आपको लगे कि मेरे को करना हो तो आप कॉल कर लेना। अच्छा आपके नंबर पे कॉल लग जाएगा? हाँ। अच्छा मैं समझा डायलर से कॉल कर रहे हैं, आपको वैसा नंबर दिया एजेंसी वालों ने? नहीं दोबारा बोलो। मैं समझा आप डायलर से कॉल कर रही हो, आपको एजेंसी वालों ने कहा होगा कि अपने आधार कार्ड से SIM निकलवा लो, है ना? हाँ।
हाँ तो मैडम एक एडवाइस और देता हूँ, आप अगर अपने आधार कार्ड से सिम निकलवा कर काम कर रही हो तो इस नंबर से किसी के साथ मिसबिहेव मत करना, जैसे गर्म हो जाओ ना या कहीं ना कहीं कोई जैसे मेरे जैसा कस्टमर आ जाए बदतमीजी करने लगे, बाकी मैं तो नहीं करता हूँ, कोई करने लगे तो आप डिस्कनेक्ट कर देना, उसके साथ मिसबिहेव मत करना, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई बंदा ज्यादा पावरफुल निकल जाता है तो आपको ट्रैक करवा कर भी एजेंसी में आ जाएगा। नहीं सच में ऐसा हो जाता है, बंदा ज्यादा पावरफुल हुआ ट्रैक करके एजेंसी में आ जाएगा वहीं पर, और एजेंसी ओनर आपका बोल पता है क्या बोले उस टाइम पर, कि मैं माफी मांगता हूँ आपसे ये वो, आप चाहे तो मैं इनको निकाल भी सर निकाल दूंगा अगर आप चाहोगे तो, ऐसे बोलते हैं एजेंसी ओनर उस टाइम पर। हमारे क्या कहते हैं भाई थे कुणाल कुमार नाम के, आपने भी काम किया इसमें पहले? हाँ मैंने भी काम किया, और हमारे एक भाई थे कुणाल कुमार नाम के। अच्छा तो वो एक बंदे ने बदतमीजी कर दी, वो सोच रहा था कि हमें तो ये पकड़ ही नहीं पाएगा, उसने बदतमीजी तो बड़े प्यार से कर दी, और ट्रैक करा के जब निकाल लिया फिर एजेंसी में चले गए, एजेंसी उन्होंने कह रहा सर आप बोलोगे तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा वरना सर जॉब से निकाल देता हूँ, तो उन्होंने माफीनामा लिखवाया उससे, उसके पापा को बुलवाया, जब उसने माफी मांगी तब जाके उसे छोड़ा था, माफीनामा लिखवा के बकाया था उसके पापा को बुलाकर फिर छोड़ा था। जी मैडम तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, और क्या अगर वो चाहते तो निकलवा देते जॉब से, लेकिन उसमें एक बेनिफिट और है, अभी तो खैर आप नहीं हो, अगर कोई पुराना बंदा होता ना तो वो एजेंसी ओनर कहता तू मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, तूने मेरा बहुत अच्छा काम कराया, तो उसकी एजेंसी कहीं दो तीन चल रही है उसके नाम से, दूसरी एजेंसी में लगवा लेता। भाई आपको एडवाइस दे रहा हूँ, नहीं नहीं हो ना, और कहीं ना कहीं अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे तो वैसा लग रहा है छोड़ देनी चाहिए। नहीं नहीं मतलब एक तरीके से पैसा वगैरह जोड़ लो आप थोड़ा बहुत, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो आप तकलीफ। हाँ ये इस वजह से ही लगी हुई है, मेरे फादर है ना आर्ट पेशेंट है और एन पैरालिसिस। हाँ तो वो मैंने भी मतलब जब मैं छोटा था ना तो शुरुआत में मेरे भी ऐसे ही था कुछ, तो मैं भी काम वगैरह ढूंढता रहता था कि कुछ ना कुछ मिल जाए पिताजी का हाथ हल्का हो और मैं भी थोड़ा बहुत खर्चे में, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, अब आप मान लो बचपन में दो जोड़ी कपड़ों में हो तो आदमी मजे से है, लेकिन वो जब बड़ा होगा तो उसे तीन या चार जोड़ी कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ जाएगी, कहीं से घूमने जाना पड़ेगा, कहीं उसे वैसे जाना पड़ेगा काम के चक्कर में, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो बाकी मैं आपके पापा के लिए दुआ करूंगा कि आपके पापा जल्द ठीक हो जाए। थैंक यू सर। तो मैडम बाकी आप कहीं ना कहीं और सर्चिंग करती रहना जॉब, ठीक है? ठीक है जी, और वो वाली बात ध्यान रखना, कोई मिसबिहेविंग करे तो डिस्कनेक्ट कर देना उसके साथ, करना मत लौट कर। ठीक है ठीक है मैडम, हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ रहे। ठीक है थैंक यू सर। ठीक है मैडम। दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। हेलो कौन जी? हाँ हिमांशु भाई। हाँ जी सर, भेजी अम्मा की बात करो छो। करो छो करो। ठीक है तो सर क्या कह रही हो? पेटीएम में भी बात करूँ छू सर, तो मेरा पेमेंट पेंडिंग है। तो क्या हुआ? क्या है सर सर पेमेंट? पेमेंट पेंडिंग है ना तुम्हारे। तो पेमेंट में भी तो क्या करवाना सर? करवा देंगे जल्दी, क्या है करवा देंगे। क्या सर? करवा देंगे इतनी जल्दी, क्या है करवा देंगे मैडम। लेकिन कब होगा सर, मैं वही पूछ रही हूँ आपको, जल्दी करवा देंगे लेकिन कब होगा? 4 महीने से आपने पेमेंट नहीं किया है। 8 महीने बाद होगा। 8 महीने के बाद होगे? तो क्या ये कंपनी आपके हिसाब से चलती है सर, क्या आप 8 महीने के बाद करोगे पेमेंट? तो मैडम एक बात बताओ, आप क्या उखाड़ लोगी मेरा? क्या सर? क्या उखाड़ लोगी आप मेरा ये बताओ। हाँ तो सर ये कंपनी का पैसा है, पेमेंट तो करना पड़ेगा ना सर। मैं अगर नहीं दे रहे तो क्या उखाड़ लेगी आपकी कंपनी और आप मेरा? उखाड़ के दिखाओ, क्या उखाड़ोगे आप? एक मिनट चालू रखिए, मैं अपने सर को देती हूँ, फिर वो पता है कि आपको भी कंपनी क्या उखाड़ के देती है। उखड़वाओ उखड़वाओ। कस्टमर बोल रहा है कि कंपनी क्या उखाड़ के देगी मेरा, पेमेंट नहीं करूँगा तो। हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए, क्या हुआ? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दर्शन सोनी है, आप बोलिए क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ जैसे मैं पैसे नहीं रहूँगा तो आपकी कंपनी आप मेरा क्या उखाड़ लूँगा? बरोबर
सर अभी उसमें ऐसा है आपका अकाउंट एनपीए हो गया है। नहीं 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 वो एक अलग चीज है, वो प्रोसेस चलता रहेगा। मेरी बात सुनिए, आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बता देता हूँ क्या हो गया। एनपीए हो गया, चलो आगे बताइए। नहीं आप बता रहे थे मेरे को, कुछ बता दीजिए। मैं कह रहा था कि वो एक अलग प्रोसेस है, एनपीए होगा, राइट ऑफ होगा, विंटेज होगा, उससे क्या लेना देना। अब क्या करो, उससे क्या लेना, ऐसा भरना ही नहीं है ऐसा। जी मैं तो आपसे मुंह पे कह रहा हूँ कि जैसे मैं पैसे ना करूँ तो आपकी कंपनी आप मेरे क्या उखाड़ लूंगा, वो बताओ। ठीक है चलिए, तो फिर हम मिलेंगे, शांति से बैठ के बात करते हैं सर। शांति से बैठ के बात करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से फ्रूटी की बदल लिया ना, मैं थोड़ा गर्म पड़ जाता हूँ ना, ठंडा हो लूंगा फ्रूटी की। क्या क्या हुआ सर? मैं कह रहा हूँ शांति से बैठ के तो बात करेंगे, फ्रूटी की बदल लिया ना, इसकी मिलने आना अपनी तरफ से। ठीक है, मतलब आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है सर। शांति से बैठ के तो बात करेंगे, लेकिन जब भी मुझसे मिलने आओ तो अपनी तरफ से फ्रूटी की बोतल ले आना, मैं जल्दी गर्म पड़ जाता हूँ ना, तो पी का ठंडा हो जाऊंगा। ठीक है सर, सर ठंडे होते होते बात करेंगे आपसे। अच्छा, और बताओ। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।